हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर हमारी पीआईबी और द हिंदू की जो डिस्कशन है उसकी तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो है नॉर्दिक कंट्री को लेके। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से नॉर्दिक कंट्री कौन कौन सी है, मतलब नॉर्दिक कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं। ए है फिनलैंड, बी है आइसलैंड, सी है स्वीडन और डी है डेनमार्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सी है, ए सी है, बी सी है, सी सी है, डी सी है, फिर नन ऑफ दीज या फिर सारे सी है। आपको इस तरीके से बताना है, या ए बी बी सी सी है। देखो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, आपने सोच लिया होगा। बेसिकली नॉर्दिक कंट्रीज में 5 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी। फिनलैंड आती है, आइसलैंड आती है, स्वीडन आती है, डेनमार्क होती है और एक और है नॉर्वे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, FINDS, एक ट्रिक्स के तहत। एफ का मतलब फिनलैंड, आई का मतलब यहाँ पे आइसलैंड, एन का मतलब यहाँ पे नॉर्वे और डी का मतलब डेनमार्क और एस का मतलब स्वीडन। तो फिंड्स के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो कि नॉर्दिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। बेसिकली नॉर्दिक कंट्रीज वो हैं जो कि जो अपना नॉर्थ पोल है उसकी साइड एकदम स्थित है, उन कंट्रीज को यहाँ पे नॉर्दिक कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमुख कार्य है। ए ऑप्शन दिया गया कि भारत सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वित्त पोषण और प्रबंध पर ध्यान रखना। बी ऑप्शन दिया गया है भारत के सार्वजनिक निधि के अंदर अंदर और बाहर धन आपूर्ति पर नियंत्रण। सी ऑप्शन दिया गया है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सरकार को प्रदान करना और डी है नन ऑफ दीज। तो देखो जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पे हो जाता है, आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर वो होता है सी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में ये एक तरीके का पोर्टल है, मतलब एक वेबसाइट है। इसमें सारा डाटा है वो एग्जेक्टा रहता है और इसका मेन काम ये है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जो भी जानकारी है वो गवर्नमेंट को मिल सके, ताकि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि हाँ भाई इस स्कीम में इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसमें इतना ना खर्च हो गया है और इस वाले स्टेट में या इस वाले जिले में ज़्यादा हो रहा है, इस वाले में कम हो रहा है। इसके लिए बेसिकली काम है और एक तरीके से सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, वो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन है, वो है बेसिकली ई रकम के बारे में कि ई रकम क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पासपोर्ट के आवेदन के लिए परेशानी मुक्त हो एक प्रोसेस का ई प्लेटफॉर्म है। तीसरा है कि आगामी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक पोर्टल है और डी है नन ऑफ दीज। तो देखो इसका आंसर है, हमने काफी बार डिस्कस किया है ई रकम का, यह एक पोर्टल है जो कि कृषि प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम है वो करता है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि सरकार क्या करती है कि किसानों के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि उन्होंने गेहूं चना जो फसल बोई है, तो उसको बेसिकली वो ई रकम पोर्टल के तहत बेच सकते हैं, नीलामी कर सकते हैं, ताकि किसानों की इनकम है वो डबल हो सके। देखो गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2022 तक किसानों की इनकम है उसको डबल किया जा सके। अब भैया अगर किसानों की इनकम डबल करनी है, इसका मतलब क्या होगा कि किसानों को कहीं ना कहीं जो चीज़ें किसान प्रोड्यूस करते हैं उनके उन्हें उचित दाम मिलने चाहिए, तभी तो किसानों की इनकम बढ़ेगी। और इसीलिए गवर्नमेंट तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि बीच में जो आढ़ती या दलाल वगैरह जो लोग होते हैं, जो कि किसानों को मंडी में एक तरीके से मतलब उनका पैसा छीन लेते हैं, उनसे बचाने के लिए बेसिकली इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट है वो किए गए हैं। इसके बाद में चलो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ई मंडी भी लाया गया था, ई नेम। ई नेम क्या था वो आप बताइए कि ई नेम है वो क्या है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंधु जल ट्रीटी को लेके, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है, उसको आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि गलत ऑप्शन हमें चुनना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि तीन पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब और सिंधु को भारत के लिए आवंटित किया गया है, जबकि तीन पूर्ववर्ती नदियां रावी, ब्यास, सतलज हैं वो पाकिस्तान को यहाँ पे प्रोवाइड है, वो की गई है, पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल है वो की जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत पश्चिमी नदियों के उपभोग के लिए यूज है वो कर सकता है और उनका जल भंडारण है मतलब उनकी वाटर स्टोरेज है वो नहीं बना सकता। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि संधि बताती है कि कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा कोई भंडारण और सिंचाई की प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। और चौथा है कि भाई सारे के सारे सही हैं। तो देखो हम बात करें यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट की, बिल्कुल सही है कि एक बार थोड़ा हम थोड़ा वैसे देख लेते हैं।
देखो कैसे हमें 6 की 6 नदियों के बारे में पता होना चाहिए पहले। ऐसे तो सिंधु आती है, सिंधु के नीचे फिर आती है झेलम, और फिर आती है चेनाब, और फिर नीचे आती है रावी, व्यास और सतलुज। इस तरीके से टोटली 6 नदियां हैं। तो देखो ऊपर वाली जो 3 नदियां नॉर्थन वाली, इनको बेसिकली पश्चिमी रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये तो जाती है पूरी पाकिस्तान में मैक्सिमम, तो इन नदियों को तो दिया गया पाकिस्तान को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जाता है कि पश्चिमी नदियां हैं वो तो बेसिकली पाकिस्तान को दी गई हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, सिंधु झेलम और चेनाब ये तो दिया गया पाकिस्तान को कि 20% पानी केवल इंडिया इसका कंज्यूम कर सकता है, बाकी सारा पानी पाकिस्तान में जाएगा। और रावी व्यास सतलज है, इनका 80% पानी है वो इंडिया है कंज्यूम है वो करेगा, ये बेसिकली प्रावधान किया गया। मतलब जो पूर्वी नदी है रावी व्यास सतलज ये तो दी गई है इंडिया को, पश्चिमी नदियाँ कौन सी होगी, सिंधु झेलम चेनाब, ये दी गई है पाकिस्तान को, और ये हमें ध्यान में रखना है। और इसी के साथ बात ये की कि भाई स्टोरेज वगैरह इन पे नहीं बनाए जा सकते, हाँ कुछ लिमिटेड यूज है वो किए जा सकते हैं। तो देखो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, नो डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है और हमें गलत ही पूछा गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए है वो हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। अगला जो हमारा आर्टिकल आया है वो है LEAP के बारे में। क्या है LEAP? लीडरशिप फॉर अकेडमेशन प्रोग्राम के बारे में है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो बेसिकली जो LEAP प्रोग्राम है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब किस लिए चलाया गया है, ये 3 वीक का फ्लेक्सिब लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें 2 वीक तो डोमेस्टिक पे फोकस किया जाएगा और 1 वीक की इंटरनेशनल जो कोलेब्रेशन है उसको यहाँ पे फोकस है वो किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम का मेन मोटो क्या है हम वो समझते हैं सीधी सी लैंग्वेज में। देखो LEAP प्रोग्राम का मेन मोटो साफ साफ ये है कि इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इसका। क्या आपको पता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि भाई हायर एजुकेशन उनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, ताकि एटलीस्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड की हैं उनमें कुछ तो इंडिया की भी आनी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं और काफ़ी स्कीम भी लेके आई है, फंड वगैरह भी प्रोवाइड है वो किया जा रहा है। तो देखो बात यह है कि हमारे देश के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं इनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है या फिर उनमें लीडरशिप का रोल है वो निभाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमारे देश के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो लीड रोल के तौर पे यहाँ पे काम करें। जैसे कि ये मान लो कि लीड रोल का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे IIT दिल्ली को लीड रोल मिल गया, मतलब क्या है कि IIT दिल्ली बाकी इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत गाइड करे, जैसे कि उनमें एजुकेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इंश्योर किया जा सके, तो ये काफ़ी बेनिफिट हो। और इसीलिए लीडरशिप फॉर अकोमोडेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश के जो सेकेंड टायर एकेडमिक हेड्स हैं उनका पोटेंशियल भी है, मतलब उन वो इंस्टीट्यूट जिनकी इतनी हिम्मत है, जिनकी इतनी औकात है कि भाई वो लीडरशिप का रोल निभा सकते हैं, उनको बेसिकली लीडरशिप का रोल है फ्यूचर में प्रोवाइड हो करवाया जा सके, वो लीड रोल निभा सकें, तो उनको इतनी क्षमता उनमें होनी चाहिए वो बिल्डअप करने के लिए बेसिकली। अब होगा क्या इसमें, इसमें देखो जैसे कि सीनियर फैकल्टी है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसके साथ ही उनकी मान्यता वगैरह संबंधित नॉर्म्स हैं वो इजी रखे जाएंगे। लीडरशिप और जो हम बात करें कि मैनेजरियल स्किल है उसको भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, हैंडलिंग स्ट्रेस की भाई तनाव हो उससे कैसे हैंडल करना है, इसके साथ ही टीम बिल्डिंग वर्क है इस पर फोकस किया जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर ध्यान है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस है वो किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आपको एक लीड रोल निभाना है, जिस तरीके से देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में USA ग्लोबल पुलिसमेंट का काम करता है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी इंस्टीट्यूट हैं वो अपने आप में हेड हो, ताकि बाकी छोटे इंस्टीट्यूट को वो गाइड कर सकें। इन सब के लिए बेसिकली प्रोग्राम है वो चलाया गया है। अब अहम बात यह है कि ये जो LEAP प्रोग्राम है किसके द्वारा इंप्लीमेंट है वो क्या जाएगा। देखो हमारे देश में गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क चलाया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या था कि जो हमारे देश के इंस्टीट्यूट हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो हमारे देश के जो 15 हायर टॉप हायर इंस्टीट्यूट हो गए जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 15 नंबर पे आ रहे हैं, वो 15 इंस्टीट्यूट बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट है वो करेंगे। तो यह हमें ध्यान में रखना है। ओनली इंडिया के इंस्टीट्यूट की बात याद को यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो भी बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है बेसिकली अर्पित के बारे में, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। देखो हमारे देश में जो टीचिंग की क्वालिटी है हायर एजुकेशन में उसको भी इंश्योर करने के लिए बेसिकली प्रोग्राम है वो लाया गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसमें होगा क्या, अर्पित जो प्रोग्राम है, अर्पित प्रोग्राम में इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि भाई हमारे देश के जो प्रोफेसर्स हैं, हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी फैसिलिटी है, फैकल्टी सॉरी हाई, मतलब टॉप जो इंस्टीट्यूट हो गए हमारे देश के, जैसे IIT IIM और वगैरह, इनकी जो फैकल्टी है इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उनकी स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके,
इसके लिए बेसिकली ये अर्पित प्रोग्राम है वो काम करेगा। अब होगा क्या इसमें, इसमें देखो ट्रेनिंग बेसिकली प्रोवाइड है वो करवाई जाएंगी, छोटे छोटे सिलेबस कोर्सेज बनाए जाएंगे और उसकी हेल्प से जो टीचिंग की क्वालिटी है फैकल्टी की, उस क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव है वो यहाँ पे किया जाना है। और इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट है वो स्वयं पोर्टल है उसका यूज है वो करेगी, स्वयं पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट है वो करने वाली है। अब इसमें होगा क्या और बताऊँ आपको, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाएगी। नेशनल रिसोर्स सेंटर का मतलब देखो ये है कि वो एरिया जहाँ पे बेसिकली रिसोर्सेज मिल सकते हैं एजुकेशन संबंध। अब देखो हम जानते हैं कि एजुकेशन के रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड है वही यूथ है, वो चाइल्ड जो यूथ होगी वही तो रिसोर्स होती है। मतलब कि नेशनल रिसोर्स सेंटर का मतलब यहाँ पे ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IISc, इसके साथ IIT, NIT, मतलब हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको बेसिकली यहाँ पे NRC के नाम से जाना जा रहा है। तो वो यहाँ पे क्या काम करेंगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा अच्छे अच्छे को, और इसके साथ ही उनको एक तरीके से ऑनलाइन टास्क वगैरह दी जाएंगी और उसकी हेल्प से उनमें डिसिप्लिन वगैरह तैयार करना, उनमें इमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर फोकस है वो किया जाएगा। बेनिफिट क्या होगा कि जो हायर एजुकेशन की जो फैकल्टी है इसको बेसिकली और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रखा जा सके, ताकि हमारे देश की हायर एजुकेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव है वो किया जा सके। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के बारे में, IONS। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में देखो एक चीज़ यही ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा फैक्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली इंडियन ओशियन की जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली इसमें मेंबर हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब है क्या कंटेक्स्ट, ये है कि अभी 10th एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की, जो कि दिल्ली सॉरी कोची में एक तरीके से ऑर्गेनाइज है, कोची में आयोजित है वो की गई है। तो ये तो आ गया कंटेक्स्ट। अब हम बात करें इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की, तो ये एक वॉलेंटियरी इनिशिएटिव है वो सभी गवर्नमेंट्स ने, इन जो इंडियन ओशन के आसपास की जो पड़ोसी कंट्रीज हैं इन्होंने मिलके एक तरीके से वॉलेंटियर इनिशिएटिव के तौर पे इसे स्टार्ट है वो किया है। 2008 में बेसिकली इसके लॉन्च है वो किया गया था, तो अभी 10 साल इसके पूरे कंप्लीट हो गए, तो 2018 में इसका जो एडिशन है वो बेसिकली कोची में आयोजित है वो किया गया है। अब है क्या ये, देखो IONS है वो बेसिकली 21st जो सेंचुरी है इसमें इंटरनेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली स्टार्ट है वो किया गया था। अब देखो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मैक्सिमम ट्रेड होता है आज के टाइम पे वो देखो इंडियन ओशन के रास्ते से ही होता है। मतलब इंडियन ओशन से बात करें तो लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड का 68 से 78% ट्रेड है वो होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो मैक्सिमम ट्रेड आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान सॉरी चाइना हुआ इंडिया हुआ इन कंट्रीज के साथ ज़्यादा होता है, जापान वगैरह के साथ। तो इनके साथ अगर किसी भी कंट्री को ट्रेड करना हो तो वो ही रूट है वो बेसिकली यूज वो होता है, और इसलिए इस रूट की काफ़ी अहमियत हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है वो होती है। तो भाई इसमें मेरीटाइम सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अटैक वगैरह ना हो जाए, जहाज़ वगैरह सही सलामत पहुँचे, इसके लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये सिंपोजियम है वो स्टार्ट किया गया था। अब होता क्या है इसमें, रीजनल जो मेरीटाइम इश्यूज़ हैं मतलब इस वाले एरिया में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं उन पे फोकस किया जाता है, और 24 कंट्रीज़ बेसिकली इसके मेंबर हैं और 8 इसके ऑब्जर्वर नेवीज हैं, तो यह हमें ध्यान में रखना है। तो चाइना है वो इसके ऑब्जर्वर लिस्ट में बेसिकली यहाँ पे शामिल है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है इंदिरा 2018 एक्सरसाइज के बारे में, देखो इंदिरा एक्सरसाइज है वो आपको बता दूँ इंडिया और रशिया के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंद्र एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इंद्र एक्सरसाइज किसी के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है इंडियन हेल्थ फंड को लेके। देखो इंडियन हेल्थ फंड है उसके द्वारा भी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ डाटा सामने लाया गया है, तो उसको लेके न्यूज़ है वो आई है। इंडियन हेल्थ फंड है वो बेसिकली 2016 में टाटा ट्रस्ट के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया था, मतलब टाटा ट्रस्ट के द्वारा बेसिकली इसको 2016 में लॉन्च है वो किया गया था। अब किस लिए बनाया गया था ये फंड, इस फंड का मेन मोटो ये था कि हमारे देश में जो इन्फेक्शन डिजीज हो रही है या इन्फेक्शन डिजीज हैं उनके चैलेंजेस से निपटा जा सके। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके टारगेट हैं वो कुछ सेट भी किए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके टारगेट कुछ इस प्रकार सेट किए कि भाई 2025 तक हम इंडिया में टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, और इसी के साथ ही 2030 तक मलेरिया को इंडिया से एलिमिनेट है वो कर देंगे। बट कुछ यहाँ पे डाटा भी दिया गया है ये हम कहीं यूज है वो कर सकते हैं, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टीबी का भार आप मानोगे उसमें 27% वेटेज है वो तो इंडिया का ही है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने पेशेंट हैं टीबी के उनमें से 27% पेशेंट तो इंडिया में ही है अकेले। इसके साथ ही बात करें मलेरिया की, तो साउथर्न एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके 68% जो मरीज हैं मलेरिया के वो अकेले इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब इंडिया में टीबी
टीबी और मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और इसको गवर्नमेंट को एलिमिनेट करना है तो बहुत ही बड़े लेवल पे अभियान है वो चलाने होंगे। तो ये बेसिकली इंडिया हेल्थ फंड के बारे में न्यूज़ है। ध्यान रखना कि एनजीओ वगैरह क्या है। नेक्स्ट हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको जरा देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह वो पूछती रहती है मैच द फॉलोइंग वगैरह में। तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट के बारे में हमें पता होना ही चाहिए कि भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो क्या है, तो ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, तो ये इंडेक्स भी ध्यान में रखना है कि ग्लोबल कम्पिटिटिव जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके साथ ही नेटवर्क रेडिनेस जो इंडेक्स है, देखो ये तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको तो आप रहने देना चाहिए। इसके साथ ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है ये थोड़ा ध्यान में रखना है, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके साथ ही ट्रेवल एंड कम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है वो भी, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो यह ध्यान में रखना है। सबसे अहम जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स की बात करें तो एक तो है ग्लोबल जेंडर गैप, ये ध्यान में रखना है। इसके साथ ग्लोबल कम्पिटिटिव जो इंडेक्स है वो भी ध्यान में रखना है, और अहम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स, इन दोनों इन तीनों के बारे में हमें फैक्ट को ध्यान में रखना है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी हैं वो किए जाते हैं। तो देखो बेसिकली ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।